हाँ तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिटी टू होस्ट द 105th एडिशन ऑफ द 2018 इंडियन साइंस कॉन्टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि जैसे कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 104th जो था जो इंडियन साइंस कांग्रेस की जो मीटिंग हुई वो कहाँ पे हुई, तिरुपति में हुई, जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो पूछा जा रहा है कि 105वां जो है एडिशन ऑफ साइंस कांग्रेस का जो कि 2018 में होगा वो कहाँ पे होगा, वो पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, वो कहाँ पे होगा, वो हैदराबाद में होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ठीक है, और इसके थीम के बारे में बता दूं, इसका थीम क्या होगा जो देखिए, रीचिंग द अनरीच्ड। ठीक है, इसका थीम होगा। और 104 का थीम क्या था दोस्तों, 104 का थीम था प्रवासी भारतीयों के संबंधों में नए आयाम जो थे, वो 104 का थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, ठीक है, टू हैव ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड जयमस्कर। ठीक है, भोर सिंह द बारासिंह भाट टू क्रिएट ए बेटर कनेक्टिविटी विद द विजिटर। मतलब ये जो है पूछा जा रहा है कि इंडिया में फर्स्ट ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसने कि अपनी ऑफिशियली एक मस्कट, ठीक है, मतलब जिसे कहते हैं कि प्रतीक चिन्ह भी है, मस्कट जो है जिसे प्रतीक चिन्ह जो है वो लॉन्च किया है जिसके कि ज्यादा से ज्यादा विजिटर आ सके। ठीक है, उसके लिए तो वो जो लॉन्च किया गया वो कायनाथ टाइगर रिजर्व के द्वारा किया गया है। और मस्कट क्या है उसका, भोर सिंह द पारसिंह। अपने आप लोग का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बता दूं कान्हा टाइगर रिजर्व में जो है वो है महाराष्ट्र में। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश में कहाँ पे है अगर आप लोगों को पूछा जाए, मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में जो है कान्हा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, ये स्पेशली टाइगर के लिए बहुत ही फेमस है। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि आप लोग कैसे याद रखिएगा कि भोर सिंह द बारासिंह जो है वो मस्कट है, क्योंकि मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश का जो बोल रहेंगे स्टेट एनिमल जो है वो भी बारासिंघा है। ठीक है, और बारासिंघा को इसीलिए इसका नाम जो है भोर सिंह का बारासिंघा रखा गया है। और बारासिंघा को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग इसे कमेंट में जरूर मेरे को बताइए। ठीक है, कि बारासिंघा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, डियर कहते हैं, मैं बता दूं क्या, चलिए ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंडिया हैज डिसाइडेड टू लिबरलाइज ई वीजा रिजीम बाय इंक्रीज द टाइम लिमिट फॉर सीकिंग द एंट्री परमिट फॉर एग्जिस्टिंग 30 डेज टू ए मैक्सिमम ऑफ। इंडिया ने नया जो है ई वीजा रिजीम जो बनाया है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो सिस्टम शुरू किया है, वो इस वीजा सिस्टम में क्या हुआ है कि लिबरलाइज, मतलब पहले के वीजा के जो कानून थे उसमें छूट दी गई है। ठीक है, उसमें ढिलाई की गई है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इस नए जो वीजा जो नियम बनाए गए हैं उसमें जो टाइम लिमिट जो था, मतलब कितने दिनों तक आप भारत में स्पेंड कर सकते हैं, वो टाइम लिमिट जो विजिटर्स के लिए था कि आप लोग अगर घूमने आए हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कितने दिनों में, टूरिस्ट अगर हैं आप लोग, ठीक है, तो कितने दिनों तक यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, तो पहले ये था 30 दिन। ठीक है, उसे 30 दिन को बढ़ा के, ठीक है, वो कर दिया गया कितना, 4 मंथ। ठीक है, मतलब 4 मंथ कर दिया गया। ठीक है, 120 दिन की बात हो गई है। ठीक है, वो बढ़ाकर 4 मंथ किया गया। और मैं बता दूं कि ई वीजा के बारे में एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि ज्यादा लेंदी हो रहा है, लेकिन क्या करूं, मतलब मुझे लगता है कि अगर ना बताऊं तो आप लोग जाती होगी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ई वीजा जो है उसको मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहले जो ई जो वीजा सिस्टम था उसमें सिर्फ जो परमिट मिलता था वो टूरिस्ट परमिट ही मिलता था। ठीक है, पहले इसलिए आप लोगों ने देखा होगा जो भारत में काम करने वाले आते थे बाहर से, वो आफ्टर जो है कुछ दिनों बाद उन्हें जाके कुछ वीजा रिज्यूम कराना पड़ता था। ठीक है, तो अब जो है उस वीजा को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सी कैटेगरी है, ई टूरिस्ट वीजा में, ठीक है, ई बिजनेस वीजा में और ई मेडिकल वीजा में। ठीक है, और अभी तक केवल उसमें टूरिस्ट वीजा ही मिलता था, अब 3 तरह के वीजा मिलेंगे, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस और मेडिकल वीजा। और टाइम लिमिट जो है वो इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और जो मेडिकल का टाइम लिमिट है उसको जो है 3 गुना कर दिया गया है। जो मेडिकल के लिए अगर कोई आते हैं तो उसके टाइम लिमिट को 3 गुना कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन गवर्नमेंट हैव लॉन्च्ड 2 मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस सर्विसेज फॉर सिटीजन टू रिपोर्टिंग ट्रैफिक वायलेशन। जो है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं किसके, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने ट्रैफिक जो रूल्स है, ठीक है,
वो ट्रैफिक रूल्स को जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर जो है इंडिया के, ठीक है, कौन है इंडिया के जो है वो नितिन गडकरी जी है, ठीक है। उन्होंने जो है दो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है ताकि सही तरीके से भारत के जो सिटीजन है और ट्रैफिक वायलेशन अगर कुछ होता है या कहीं एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है अगर चलान होता है उसके लिए दो तरह के उन्होंने ऐप लॉन्च किए हैं। जो ऐप का नाम है वो क्या है वो पूछा गया है, उस ऐप का नाम जो है वो है ई चलान और एम परिवहन, ठीक है दोस्तों, याद रहेगा ई चलान और एम परिवहन। मुझे पता है आप लोगों को नहीं याद रहेगा जब तक थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में ना बता दूं, ठीक है, चलिए बता देता हूं। ई चालान क्या है और एम परिवहन क्या है। ई चालान सिस्टम में क्या किया गया है कि जैसे अभी तक चालान काटा जाता था, आप लोग देखे होंगे कि अगर आप लोगों ने कोई ट्रैफिक रूल वायलेशन किया तो अभी तक जो चालान काटा जाता था वो पेपर में काट दिया जाता था, ठीक है। तो हो सकता है कि उसका पैसा जो है वो ट्रांसपेरेंसी ना होता हो, ना पहुंचता हो। इसके लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए और ट्रैफिक वायलेशन को कम करने के लिए और कहां कहां ट्रैफिक वायलेशन हो रहा है इन सब का एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाने के लिए एक ई चालान बनाया गया है कि डिजिटली आप लोगों को चालान काटना होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी रही, सब जगह पहुंचे और इजीली जैसे मॉनिटर कर सके और ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है बेटर हो सके, इसके लिए ई चालान शुरू किया गया। नेक्स्ट जो है एम परिवहन, एम परिवहन के अंतर्गत क्या किया गया है, ठीक है, कि डिजिटली आप क्या है कि डिजिटली जो है आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करने के लिए एक डिजिटल जो है ऐप बनाया गया है, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी सिटीजन जो है अगर कहीं पर ट्रैफिक वायलेशन होता है या रोड एक्सीडेंट होता है तो डायरेक्टली कोई भी सिटीजन इस ऐप को डाउनलोड करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस जगह पर ट्रैफिक वायलेशन हुआ है या रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। और एक जो है फीचर इसका क्या है कि इस ऐप के द्वारा जो एम परिवहन है इसके द्वारा आपको वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी मिल सकता है, जिससे कि होगा कि आपका टोटल डाटाबेस रहेगा, इससे कि जो फेक ड्राइविंग लाइसेंस और फेक ड्राइवर्स जो है उससे आप लोगों को निजात मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। दो नई सेवा जो शुरू की गई है भारत के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर द्वारा वो है ई चालान एंड एम परिवहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक डिजिटल एग्जीबिशन, ठीक है, स्वच्छाग्रह बापू की क्रियांजलि टू सेलिब्रेट द सेंचुरी टू चंपारण, ठीक है, नया जो है एक एग्जीबिशन जो है वो सेलिब्रेट किया गया, ठीक है, उसका नाम क्या था, स्वच्छाग्रह बापू की क्रियांजलि सेलिब्रेट करने के लिए इन द चंपारण, किसके हमने किसने ये जो है शुरू किया, ये जो शुरू किया है वो मतलब जो इनोवेट किया जो डिजिटल एग्जीबिशन जो शुरू किया वो शुरू किया हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब है उन्होंने वो शुरू किया, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं बता दूं कि चंपारण सत्याग्रह जहां बात आई तो भारत सबसे पहला जो है सत्य का जो प्रयोग जो था वो महात्मा गांधी ने जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, ठीक है। और जो है नेक्स्ट जो सबसे पहला सत्य का प्रयोग जो महात्मा गांधी ने किया, ठीक है, इंडिया में वो सबसे पहले जो किया था चंपारण बिहार में किया था। कब किया था ये दोस्तों, ये किया गया था 1917 में। तो 100 साल पूरे होने की खुशी में ही, ठीक है, ये नया जो है एग्जीबिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है स्वच्छाग्रह बापू की क्रियांजलि, ठीक है दोस्तों। 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था और 2017 में, ठीक है, वो जो है ये शुरू किया गया 100 साल, इसलिए ये मनाया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया नोमैडिक एलिफेंट्स हैज स्टार्टेड इन, ठीक है, 112 मतलब 12th जो है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, वो 14 दिन चला, ठीक है, 5 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक, ठीक है। इसका काम क्या था, प्रमोटिंग द मिलिट्री जो है एसोसिएशन बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ, ठीक है, ये जो हुआ वो बिरंगते जो है मिजोरम में हुआ, ठीक है, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू हैज रिलीज्ड ए बुक डीजी तेंदुलकर प्रिंटेड बाय जो पब्लिकेशन डिवीजन, यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे वेंकैया नायडू साहब है उन्होंने नया बुक जो है लॉन्च किया डीजी तेंदुलकर द्वारा प्रिंट किया हुआ, उस बुक का नाम क्या है, उस बुक का नाम है फांदी द चंपारण, क्यों हुआ, क्योंकि 100 साल पूरे हुए हमारे चंपारण सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड ए बुक ऑथर्ड बाय लोकसभा स्पीकर सुमिता महाजन, सुमिता महाजन इन न्यू दिल्ली जो है मातोश्री, जो हमें नरेंद्र मोदी है उन्होंने नया बुक लॉन्च किया, किसके द्वारा लिखा हुआ, सुमित्रा महाजन द्वारा। तो पूछा अगर जाए कि सुमित्रा महाजन द्वारा नया बुक लिखने का नाम क्या है, वो जो है मातोश्री, ठीक है। तो इस बुक के बारे में मैं बता दूं कि इस बुक में जो है वो 1767 से लेकर 1795 तक मालवा की जो महारानी थी जिनका नाम अहिल्याबाई होलकर था उसके जीवन के और उनके कार्यकाल पर प्रकाश डाला गया इस बुक पे, ठीक है, उन्हीं पे आधारित ये बुक है ये जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये बुक जो लिखा गया है वो जो लोकसभा स्पीकर सुमित्रा
अमिता महाजन के द्वारा लिखा गया है। बुक का नाम क्या है? मधुश्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन पावर मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड एन ऐप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ने लॉन्च किया नया जो है रियल टाइम इंफॉर्मेशन सेलिंग के लिए पावर सप्लाई का। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर जो है, ठीक है, उन्होंने लॉन्च किया, ठीक है, नया। ठीक है, तो वो क्या नाम है उस ऐप का? तो ये ऐप जो लॉन्च किया गया जिसका नाम ऊर्जा मित्र है, उससे क्या हुआ कि देश में जहां जहां ऊर्जा है, टोटल कितना इनफ्लो हो रहा है ऊर्जा का, कहां डिफिशियंसी हो रही है, कहां एक्सेस पावर है, उनको कंट्रोल करने के लिए एक नया ऐप बनाया गया जिसका नाम ऊर्जा मित्र है। ठीक है, इसे ही नया जो है यूनियन पावर मिनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइम इन इंडियन रेलवे हिस्ट्री, फर्स्ट टाइम इन इंडियन रेलवे हिस्ट्री, इंडियन रेलवे स्टेशन हैज बीन हैंडेड ओवर टू द प्राइवेट फर्म एंड ऑपरेटेड इन। पहली बार जो है इंडियन रेलवे हिस्ट्री में हुआ है कि किसी स्टेशन को डेवलप करने के लिए किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को ये दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जो स्टेशन है ये कौन सा है? ठीक है, ये जो स्टेशन है ये हबीबगंज। तो मैं बता दूं ये हबीबगंज जो है वो भोपाल में है। ठीक है, पहली बार हुआ है। जो अगर क्वेश्चन पूछा जाए विच द फर्स्ट स्टेशन इज कंप्लीट डेवलप अंडर प्राइवेट पार्टनरशिप, तो वो होगा हबीबगंज जो कि भोपाल में है। ठीक है, और इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मेथड पर बनाने के लिए जो है उन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को दे दिया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं दिन भर ड्यूटी करने के बाद अभी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द IIT इंस्टीट्यूट विल स्टार्ट वास्तु शास्त्र क्लासेस इन आर्किटेक्चर स्टूडेंट। IIT जो है, कौन से IIT ने नया वास्तु शास्त्र का क्लास शुरू किया? ठीक है, आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो IIT खड़गपुर में नया वास्तुशास्त्र क्लास जो है शुरू किया गया है आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लिए। आर्किटेक्चर को ऑलरेडी वास्तुशास्त्र उनके कोर्स में था, लेकिन स्पेशली वास्तुशास्त्र जो है वो थोड़ा ऑर्थोडॉक्स टाइप में चला जाता है, इसलिए ये ज़्यादा कॉन्टेम्प्रोरी जो हमारे आर्किटेक्चर स्टूडेंट है वो नहीं पढ़ते थे। पर नया जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, उन्होंने नया जो है वास्तुशास्त्र क्लास शुरू किया। ठीक है, ठीक है, वो किसके द्वारा क्या किया? IIT खड़गपुर द्वारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप ए बुक बैंक इन स्कूल टू प्रोवाइड ओल्ड बुक टू द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने एक बुक बैंक जो शुरू किया है। ठीक है, तो इस बुक बैंक में क्या होगा कि ओल्ड बुक जो है, मतलब जो स्टूडेंट्स सपोज कीजिए कि कोई क्लास 5 में है, वो अगर क्लास 6 में चला जाता है तो उसके क्लास 5 के बुक बेकार हो जाते हैं उनके लिए। ठीक है, वो यूजलेस हो जाते हैं। और क्लास 4 से जो बच्चे क्लास 5 में आते हैं उसको अगेन क्या होता है, क्लास 5 के बुक खरीदनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है कि हर साल देखिएगा, ठीक है, कितने सारे मनी का लॉस होता है, साथ में पेपर का लॉस होता है, साथ में आप लोग कह सकते हैं कि जो पुअर स्टूडेंट है वो बहुत सारे देश में ऐसे स्टूडेंट है जो बुक खरीद नहीं सकते हैं। साथ में क्या होता है कि प्रिंट करने में नए बुक कितने सारे पैसे रहता, टाइम का जो है ये होता है, बर्बादी होता है। तो ये एक पंजाब की सरकार द्वारा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा, कि अब क्या किया जाएगा कि हर साल जैसे कि आप लोग कोई भी क्लास से पास आउट करके नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप लोग चाहें तो ओल्ड बुक जो है वो स्कूल में जमा कर दे सकते हैं। ठीक है, उस ई बुक बैंक में, ठीक है, सॉरी, उस बुक बैंक में जमा कर दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो भी क्लास के बच्चे प्रमोट होकर उस क्लास में आएंगे वो उस बुक को रीड कर सकते हैं। ये सिस्टम ऑलरेडी फॉरेन में है, वो लोग बुक परचेज नहीं करते हैं। हर साल बच्चे जैसे जापान में, लंदन में, ये पहले से ही ये सिस्टम है। ठीक है, इंडिया में अगर ये लॉन्च किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, मुझे बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लगा, इसलिए मैं इसलिए आप लोगों के बारे में थोड़े बहुत इसके लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ठीक है, अगर ये किया जाए, क्योंकि इससे हर साल आप सोचिए कि कितनी बुक जो है वो बर्बाद हो जाती है। ठीक है, अब क्लास 5 का बुक कोई क्या करेगा, वो रद्दे में बेच देता है 5 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये के जी। ठीक है, और नए बुक अगर खरीदने जाए तो उसी बुक की कीमत 200-300-500 रुपये लगती है। तो आप सोचिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता अगर उसको उस बुक मिल जाए, ठीक है, तो उनके लिए पूरा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो कितनी अच्छी इनिशिएटिव है ये गवर्नमेंट के द्वारा, मैं तो चाहूंगा कि हर स्टेट जो है हर कोई इसे इम्प्लीमेंट करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काउंसिल ऑफ IIT 51st meeting has been decided to increase female representation in IITs for 8
82 मतलब क्या हुआ कि आईआईटी का 51st मीटिंग हुआ, ठीक है, कहाँ हुआ, वो जो मुंबई में हुआ आईआईटी का 51st मीटिंग। इसमें क्या हुआ, देश के जितने बड़े नेता थे साथ में एचआरडी मिनिस्टर भी इसमें शामिल थे। दोस्तों हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर कौन है, हमारे देश के एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर साहब है, ठीक है, तो प्रकाश जावड़ेकर भी इनमें शामिल थे, ठीक है। तो वो मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि फीमेल जो कैंडिडेट है उनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनकी क्या है आईआईटी में जो पहले जो था 8% था उनसे बढ़ाकर जो है उन्हें 20% किया गया। और भी एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया आईआईटी के मीटिंग जो 51st मीटिंग हुआ जो मुंबई में, उसमें क्या किया गया कि हर साल देश के बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ से विदेश चले जाते हैं सही मतलब पैसे सही इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में, ठीक है। तो 75,000 रुपये हर मंथ दिए जाएंगे कुछ सिलेक्टिव स्टूडेंट को रिसर्च और इनोवेशन के काम के लिए, चाहे जिससे वो क्या करे इसलिए अच्छा रिसर्च और इनोवेटिव वर्क कर पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सिटी होस्टेड द 2017 नेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल, पूछा जा रहा है कि कौन सा सिटी ने, ठीक है, सबसे पहले होस्ट किया, मतलब इस साल 2017 का जो नेशनल चिल्ड्रन फेस्टिवल हुआ उसे किस मतलब किसने होस्ट किया, ठीक है, कौन से शहर ने होस्ट किया। तो उसे होस्ट करने वाला जो मतलब स्टेट है सिटी है वो है विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड फ्लाइट्स अंडर द रीजन कनेक्टिविटी स्कीम बाय फ्लैगिंग ऑफ एन अलायंस एयरलाइंस फ्लाइट ऑफ शिमला दिल्ली सेक्टर फ्रॉम जबरहती एयरपोर्ट नियर शिमला, ठीक है। वो किसके अंतर्गत, पीएम नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अच्छा मतलब एक स्कीम लॉन्च किया है जिस स्कीम का नाम है उड़ान। उड़ान का फुल फॉर्म है पूरे देश का आम नागरिक। इस स्कीम के अंतर्गत क्या है दोस्तों की जिसे देश का आम जनता भी बहुत इजली मतलब बहुत कम खर्चे में जो है फ्लाइट में ट्रेवल कर पाए, इसके लिए एक नया स्कीम शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये स्कीम के अंतर्गत क्या है कि हर फ्लाइट का कॉस्ट जो है बहुत कम होगा। इसके लिए जो है नरेंद्र मोदी ने देश के मतलब जो भी फ्लाइट से रिलेटेड है उनसे अपील किया है कि आप आके इनसे जुड़े, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहला जो है फ्लाइट सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू किया गया, ये शिमला से दिल्ली के बीच में शुरू किया गया है। और शिमला के कौन से एयरपोर्ट से शुरू किया गया है, शिमला के जबरहट्टी एयरपोर्ट जो है वहाँ से शुरू किया गया। और इस स्कीम का नाम क्या है, इस स्कीम का नाम जो है वो पूरे देश का आम नागरिक है जिसे शॉर्ट फॉर्म में उड़ान भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेलीकॉम मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ए पोर्टल दैट वाज अलाउ पीपल टू ट्रैक जो है रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम मोबाइल टावर विद इन लोकेलिटी एंड चेक देयर कंप्लायंस विद द सिक्योरिटी नॉर्म्स, ठीक है। जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उनके द्वारा जो है नया एक ऐप लॉन्च पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक है, जिसमें क्या होता था कि अभी के जितने टेलीकॉम्स मतलब टावर कंपनियां हैं चाहे एयरटेल हो जियो हो जो भी है वो टावर लगाते थे, उनसे आप लोगों को पता है कि रेडिएशन से बहुत सारे हार्मफुल जो है बॉडी के लिए हार्म्स होता है जैसे कि कैंसर और भी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर और भी बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां क्या करती है कि एक सर्टन नॉर्म्स है कि इससे ज़्यादा आप लोग क्या है रेडिएशन नहीं फैला सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन जितना बढ़ाएंगे उनसे उसका क्या होगा टावर की फ्रिक्वेंसी उतनी बढ़ती है, ठीक है, उनको प्रॉफिट है इससे, लेकिन क्या है कि इससे आम जो पर्सन है उनसे उन्हें दिक्कत होती है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है टेलीकॉम मिनिस्टर के द्वारा कि आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कि कितना रेडिएशन कौन सा टावर दे रहा है। इस जो पोर्टल है उसका नाम क्या है, उस पोर्टल का नाम जो है वो है तरंग संचार, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया सेकंड टॉलेस्ट फ्लैग पोल जो है वो कौन सा है, ठीक है, सेकंड टॉलेस्ट, तो सबसे जो है सेकंड टॉलेस्ट पोल कौन सा है, ठीक है। पहला जिसे मैंने बताया जो इस वीडियो में कि पहला जो था वो तो लगाया गया था हम लोगों के, ठीक है, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर में लगाया गया था, ठीक है, जो कि आर्मी द्वारा लगाया गया। सेकेंड जो है टॉलेस्ट फ्लैग जो है पोल वो कौन सा है, सेकेंड टॉलेस्ट फ्लैग जो है वो कोल्हापुर महाराष्ट्र में लगाया गया, उसकी ऊंचाई कितनी है, 303 फीट, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2017 रिपोर्ट द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया एंड द सर्वे, मतलब 2017 के जो सर्वे हुआ स्वच्छ भारत अभियान का सर्वे हुआ उसके अनुसार से इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, ठीक है। तो इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड जो मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है, उसे रैंक 1 मिला है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो आया वो भोपाल आया है सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे जो आया वो विशाखापट्टनम आया, ठीक है दोस्तों। तो अगर पूछा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो इस साल का कि सबसे पहले नंबर पे स्वच्छ भारत अभियान के रैंकिंग में सबसे फर्स्ट नंबर पे कौन आया, सबसे फर्स्ट नंबर पे मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पे कौन आया तो भोपाल आया, थर्ड नंबर पे कौन आया वो विशाखापट्टनम आया, ठीक है दोस्तों। और सबसे डर्टियस्ट सिटी के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे डर्टियस्ट सिटी कौन सा है, सबसे डर्टियस्ट सिटी गोंडा नामक स्थान है जो कि उत्तर प्रदेश में है, वो सबसे डर्टियस्ट सिटी के
जो है रैंक में आया है सभी के अनुसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द एयरपोर्ट एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ द आंध्र प्रदेश रिजर्वेशन एक्ट 2014। ठीक है, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने अप्रूवल दे दी है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इसरो हैज लॉन्च्ड अ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, कैरिंग सैटेलाइट। रिसेंटली जो है इसरो ने एक नया जो है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च किया है। ठीक है, कैरिंग सैटेलाइट, उसमें कौन सा सैटेलाइट था? ठीक है, जो रिसेंटली लॉन्च किया इसरो ने वो है GSAT-9। ठीक है, ये जो है GSAT-9 का मेन फंक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये सिर्फ इंडिया ही नहीं सारे सार्क नेशन, और मैं एक और चीज बता दूं, सार्क नेशन में जो है पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है। ठीक है, सार्क नेशन जितने भी है उसमें से पाकिस्तान इंक्लूड नहीं है, उसे सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है? कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशन नीड्स के जितने भी जरूरत है, कम्युनिकेशन चैनल हो और जैसे कि मोबाइल हो, इससे रिलेटेड थिंग हो, टीवी हो, ये सब थिंग्स जो है जैसे इंटरनेट हो, इन सब के थिंग्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे इसके थ्रू। ठीक है, इसके थ्रू सार्क की जितने भी नेशन है वो सारे नेशन इसका फायदा उठा सकेंगे। इस जो सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT-9। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्रीज फर्स्ट जो है बायो रिफाइनरी प्लांट विच प्रोड्यूस इथेनॉल फ्रॉम वैरायटी ऑफ बायोमास इनॉग्रेटेड। इंडिया का फर्स्ट जो है बायो रिफाइनरी प्लांट जो है जो कि प्रोड्यूस करेगा इथेनॉल। ठीक है, आप लोगों को पता होगा मिथेनॉल, इथेनॉल केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा होगा, वो जो वैरायटी ऑफ बायोमास से जो है वो इथेनॉल प्रोड्यूस करेगा, वो कहाँ पे लगाया गया? इंडिया का फर्स्ट बायो रिफाइनरी प्लांट, ये जो प्लांट लगाया गया वो पुणे में लगाया गया, जो कि महाराष्ट्र में, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द कंट्री हैज इलेक्टेड ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ UN हैबिटेट। इंडिया ने, ठीक है, एक नया जो है प्रेसिडेंट जो है वो गवर्निंग काउंसिल का इलेक्ट किया है। तो पूछ रहा है कि कौन से कंट्री ने जो है वो इलेक्ट किया है नया गवर्निंग काउंसिल जो है वो UN हैबिटेट का। ठीक है, तो वो जो देश है वो इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेटेजिक एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांडेड हेडक्वार्टर ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF हैज बीन शिफ्टेड बैक टू कोलकाता। ठीक है, क्या हुआ कि जो है एंटी नेशनल और जो है मतलब नक्सलों को खात्मा करने के लिए, नक्सलाइट एरिया, जैसे कि पता है आप लोग नक्सलाइट एरिया जैसे कि आप लोग MP में है, ठीक है, झारखंड में है, जैसे कि जो जो नक्सलाइट एरिया है उनके लिए एक एंटी नेशनल ऑपरेशन कमांडेड हेडक्वार्टर बनाया गया था। वो हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? रायपुर में। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है, ठीक है, वहाँ एक हेडक्वार्टर बनाया गया था। ठीक है, तो उस हेडक्वार्टर को जो है रिसेंटली जो है वो CRPF के हेडक्वार्टर था, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का हेडक्वार्टर, उसे रिसेंटली जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, बैक मतलब बैक फ्रॉम जो शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक शिफ्ट किया गया, मतलब पहले कहाँ था उसे कहाँ शिफ्ट किया गया, उसे शिफ्ट किया गया कोलकाता टू रायपुर शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, क्यों रायपुर शिफ्ट किया गया? वहाँ नक्सली अफेक्टेड एरिया बहुत सारा है, इसलिए जो है वो CRPF का जो ये जो एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांड हेडक्वार्टर है, ठीक है, उसे शिफ्ट कर दिया गया है फ्रॉम कोलकाता टू रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए हाई लेवल कमिटी टू प्रोवाइड क्रेडिबल डाटा टू द एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। ठीक है, एक हाई लेवल कमिटी जो है सेटअप की गई थी। ठीक है, किसके लिए? कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के लिए, मतलब इंडिया के जो युवा हैं, ठीक है, वो बहुत सारे युवा, मतलब एक रिपोर्ट के अनुसार आप माने कि तो इंडिया के मोर देन 56% जो युवा हैं वो बेरोजगार हैं। ठीक है, आज और इंडिया मतलब वर्ल्ड में अगर मानते हैं तो सबसे ज़्यादा जो युवा है वो भारत में है, वो इंडिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन आज इंडिया की यही ताकत जो है इंडिया की कमजोरी देखी जा रही है, क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम युवा है जिनका एज 20 से लेकर 30 साल तक है वो बेरोजगार है। ठीक है, तो आज जो है उन्हें सही डायरेक्शन दिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी हम लोग को देश सही मायने में विकास कर सकेगा या विकसित देश कहलाएगा। तो इसके लिए कमेटी का गठन किया गया था कि हाई लेवल कमेटी कैसे जो है वो एम्प्लॉयमेंट किया जाए या इनका समस्या से कैसे निजात पाया जाए, तो उस कमेटी का नाम क्या है? ठीक है, उस कमेटी का नाम जो है वो अरविंद पनगड़िया कमेटी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इंडियन सिटी विल होस्ट बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल योगा डे इवेंट। ऑन इंटरनेशनल योगा डे आप लोगों को पता है शुरू किया गया था, तो इंटरनेशनल योगा डे के बारे में पूछा जा रहा है कि इंडियन जो किस सिटी ने जो होस्ट किया बिगेस्ट एवर, आज तक की सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल योगा डे था उसे किस सिटी ने होस्ट किया। वो जो होस्ट किया गया वो अहमदाबाद में होस्ट किया, जो कि आप लोगों को पता है गुजरात में है। द नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड रूरल डेवलपमेंट हैज साइंड ए MOU ऑन द प्रोजेक्ट इन कोलैबोरेशन विद दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण। ठीक है,
कौशल्य योजना, जिसे DDU-GKY भी कहते हैं, ठीक है, वो जो है पूछ रहा है द मिनिस्ट्री ऑफ सीपीएन प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट में उसे जो है बनाया गया, ठीक है। वो जो प्रोजेक्ट था वो था सागरमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। सागरमाला प्रोजेक्ट का काम क्या है, इसे ग्रामीण योजना से इसे कनेक्ट कर दिया गया। सागरमाला प्रोजेक्ट का काम क्या था कि जितने भी छोटे छोटे जगह थे उसे कनेक्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स को कनेक्ट करना, ठीक है। इंडिया के जितने भी पोर्ट्स थे उसको रोड से कनेक्ट करने की एक प्रोजेक्ट थी, उसे सागरमाला प्रोजेक्ट कहते हैं, ताकि सही तरीके से रोड कनेक्टिविटी हो सके पोर्ट से। क्योंकि बहुत सारे इंडिया में पोर्ट से जिसे सही तरह से रोड कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण क्या है कि वहाँ सही तरीके से कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण क्या है कि हम लोगों को हर साल बहुत लॉस होता है और सही तरीके से माल जो है हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो था सागरमाला प्रोजेक्ट। तो क्या किया गया, वो दीनदयाल उपाध्याय जो है ग्रामीण कौशल योजना को इसके से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट ने साइन किया MOU, ठीक है, कि ये जो रोड बनेंगे सारी चीज बनेंगे वो इसके अंतर्गत बनेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया फर्स्ट एक्वेटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क विल बी सेट अप इन विच सिटी। इंडिया में पहला जो है एक्वेटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क जो है शुरू किया गया, ठीक है। वो जो पूछा जा रहा है ये एक्वाटिक मतलब जो ये वाटर पार्क है, एक तरह का वाटर पार्क है, कि वो इसे नए टेक्नोलॉजी से जो रेनबो टेक्नोलॉजी से शुरू किया गया है उसका नाम ARTP भी कह सकते हैं, उसे एक्वाटिक रेनबो टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। ये कहाँ पे किस सिटी में शुरू किया गया, ठीक है, ये जो है चेन्नई में शुरू किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमिटी हैज रिकमेंडेड सेवरल मेजर्स फॉर डिसिलेशन ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। एक कमिटी की गठन की गई थी, ठीक है, कमिटी का गठन किया गया था जिससे कि गंगा का जो पानी बहुत दूषित हो गया है, ठीक है, तो डिसैलिनेशन ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है, गंगा के पानी के दूषित जो है उसे साफ करने के लिए कैसे किया जाए या डिसैलिनेशन कैसा किया जाएगा रिवर गंगा के पानी को, इसके लिए कमेटी की गठन की गई थी, ठीक है। उस कमेटी ने बहुत सारे सेवरल मेजर्स जो है उन्होंने रिकमेंडेशन दिए थे कि किस तरह से आप लोग गंगा को क्लीन कर सकते हैं या डिसैलिनेशन कर सकते हैं। तो पूछा जा रहा है कि उस कमेटी का नाम क्या है, तो उस कमेटी का नाम जो है वो महादेव चिटाले कमिटी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैं अब तो ठीक है, अब मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ किसी क्वेश्चन में, ठीक है, फिर भी आप लोग मेरे टीचिंग हैबिट के बारे में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और दोस्तों अभी रात के 3:30 बज रहे हैं दोस्तों, अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। दिन भर ड्यूटी करने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है, फिर भी आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कमेंट और आप लोगों का जो मेरे प्रति लगाव है उसे देखते हुए मैं आप लोगों ने कहा कि सर एक वीडियो बना दीजिए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सो जरूर दोस्तों लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए और जरूर से जरूर मुझे सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 2017 जो है ग्लोबल राजस्थान जो है एग्रीटेक मीटिंग हुई, जिसे ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राम का नाम फुल फॉर्म क्या है, ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीटिंग। ये जो मीटिंग हुई ये क्यों हुई, जो एग्रीकल्चर की डिफरेंट टेक्नोलॉजी है उसको कैसे डेवलप किया जाए, मीन्स की एक इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि एक तो इंडिया की कृषि भूमि बहुत छोटी है, ठीक है, वहाँ पे मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी फार्मिंग के लिए अगर बड़े से बड़े मशीन का यूज़ किया जाए तो सही ढंग से हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि इंडिया में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है बहुत ओल्डर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, ठीक है, सही तरह से हम लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करते जिससे कि कम से कम पैदावार होती है। तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक एग्रीटेक मीटिंग हुआ, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, जिसे कि ग्लोबल एग्रीटेक मीटिंग कहते हैं, स्टार्टिंग टू एम्पावर फार्मर्स विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिससे कि हमारे देश के जो किसान हैं उससे उसको नए से नए जो है इक्विपमेंट के बारे में जानकारी दी जाए, ठीक है, और उनसे बढ़ावा मिल गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देश का पैदावार हो, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है देश के ग्रोथ के लिए। तो ये कहाँ पे हुआ, ये जो हुआ कोटा राजस्थान में हुआ, ठीक है, कोटा आप लोगों को पता होगा, तो करियर पॉइंट कोटा और बहुत सारे कोटा मतलब इंस्टीट्यूट के लिए जो IIT की तैयारी करते हैं उसके लिए फेमस है, तो वो जो है कोटा राजस्थान में हुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फोरम, ठीक है, जिसे IIFF भी कहते हैं, डाटा हु हैज ओवरटूक जापान टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड 2016, ठीक है। तो ये जो है एक फॉरम है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेनलेस स्टील फॉरम जो है एक फॉरम है जो कि रिकॉर्ड रखती है कि कौन सा देश कितना स्टील प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो इसके एक डाटा के अनुसार से, ठीक है, जो पूछा जा रहा है कि किसने ओवरटेक कर दिया है सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड अभी कौन है, ठीक है, 2016 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में, तो वो जो है इंडिया, ठीक है। और आप लोगों को बता दूं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस करने वाली जो देश है वो है चाइना, और पर वो फर्स्ट है और इंडिया सेकेंड है, पर अगर आप लोग टोटल प्रोडक्शन
देखिए चाइना और इंडिया का, तो मुझे लगता है कि मतलब इंडिया से चार दो तीन गुना से ज्यादा प्रोडक्शन चाइना ही करता है। मतलब अगर इंडिया चार मेट्रिक टन की, चार मेट्रिक टन है नहीं, मतलब कंसीडर कर लीजिएगा, मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंडिया का चार मेट्रिक टन सपोज की स्टील प्रोडक्शन करता है पर ईयर,